आज हम वास्तुशास्त्र में बात करेंगे कि कैसे आप अपने लिए अच्छे प्लॉट का चयन कर सकते हैं, क्योंकि घर के वास्तुशास्त्र के लिए सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका प्लॉट जिस पर आप अपना मकान बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे प्लॉट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके भविष्य को अच्छा बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं और किस तरह के प्लॉटों से आपको बचना चाहिए जिन पे कि आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयताकार प्लॉट की, यानी कि रेक्टेंगुलर प्लॉट। आयताकार प्लॉट सभी प्लॉटों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस प्लॉट की लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। इस तरह के प्लॉट अगर दोनों दिशाओं में खुले हों तो ऐसे प्लॉट बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसे प्लॉटों का आगे का हिस्सा अगर पूरब दिशा में तथा रोड पर हो तो इसमें बनने वाली कोठी बंगले बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे प्लॉट हमेशा आदमी को सुख समृद्धि संतान व धन देते हैं। अगर किसी का इस तरह का प्लॉट है तो इस प्लॉट की गिनती श्रेष्ठ प्लॉटों में होती है। अगर हम बात करें दोस्तों दूसरे नंबर पर, तो इसके बारे में बात करेंगे वर्गाकार प्लॉट के बारे में। इस तरह के प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ये हम बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लॉट्स के बारे में। सुख समृद्धि व धन के लिए तो ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे प्लॉटों में बनने वाले भवनों मकानों का नक्शा अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है तथा गुरुत्वाकर्षण के बल के हिसाब से भी वह पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के हिसाब से ऐसे प्लॉट हमेशा दबाव महसूस करते हैं। ऐसे प्लॉटों को आयताकार के अलावा दूसरी श्रेणी में अच्छा प्लॉट बोला जा सकता है। इस तरह के प्लॉट बड़े बड़े भवनों व ऑफिसों के लिए अच्छे माने जाते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे ईशान कोणी प्लॉट की। इस तरह के प्लॉटों में ईशान कोण बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है। ऐसे प्लॉट पे रहने के हिसाब से अत्यंत शुभ माने गए हैं, क्योंकि पृथ्वी के घूमने के हिसाब से इनका ईशान कोण आगे की ओर से नुकीला होता है, जिसकी वजह से ऐसे मकान जिंदगी भर हवा तूफान आंधी का दबाव कभी महसूस नहीं करते। ऐसे प्लॉट पे बने हुए मकानों में कभी दरारें नहीं आती। पूजा पाठ साधना ध्यान पढ़ाई सुख समृद्धि अच्छी संतान के लिए ऐसा प्लॉट अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे प्लॉटों पर बने हुए मकानों में रहने पर मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जैसी सुख शांति मिलती है। धन दौलत की वृद्धि भी ऐसे मकानों में खूब होती है, इसलिए ऐसे प्लॉटों को भी उत्तम श्रेणी का प्लॉट कहा जा सकता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे अग्निकोणी प्लॉटों के बारे में। ऐसे प्लॉट का अग्निकोण बड़ा होता है। ऐसा प्लॉट अशुभ श्रेणी में माना जाता है। ऐसे प्लॉटों पर बने हुए मकानों को आग का खतरा रहता है तथा मकानों को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है। तो अग्निकोणी प्लॉट जो होते हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। नृत्यकोणी प्लॉट। इस तरह के प्लॉटों में पश्चिम दक्षिण का कोण बड़ा होता है, जिसको नृत्य कोण बोलते हैं। जिस प्लॉट का नृत्य कोण बड़ा हो, ऐसे प्लॉटों पर बने हुए मकानों में धन कभी भी नहीं रुकता। जितना धन आएगा उतनी ही बीमारियां या किसी इधर उधर के खर्चों पर खर्च होता रहेगा। ऐसे प्लॉटों में रहने वाले व्यक्ति व जानवर सुखी नहीं रह सकते। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे वायव्यकोणी प्लॉट के बारे में। इस तरह के प्लॉटों में उत्तर पश्चिम का कोण, जिसको वायव्य कोण बोलते हैं, बड़ा हुआ होता है। ऐसे प्लॉटों पर बने हुए मकानों में रहने वाले व्यक्तियों के पास धन तो आता है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद आता है, क्योंकि जो दिशा कुबेर जी की होती है उसी दिशा में ये कोण बहुत नुकीला होता है। गौमुखी प्लॉट के बारे में दोस्तों बात करते हैं। पूरब दिशा में अगर कोई प्लॉट मेन रोड के ऊपर होता है तथा वह प्लॉट आगे से सिकुड़ा तथा पीछे से अगर चौड़ा होता है तो ऐसा प्लॉट मजबूती के हिसाब से सालों साल बहुत टिकाऊ रहता है। सुख समृद्धि संतान धन व स्वास्थ्य के लिए ऐसे प्लॉटों पर बने हुए मकान अच्छे होते हैं, लेकिन ये आम धारणा है कि गौमुखी प्लॉट हर दिशा में अच्छा होता है, जो कि बहुत गलत धारणा है। पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा में बने हुए गौमुखी प्लॉट दरअसल उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं देते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक भी होते हैं। तो इसलिए ऐसे प्लॉट से आपको बचना चाहिए। शेरमुखी प्लॉट।
ऐसे प्लॉट मेन रोड की तरफ आगे से बहुत चौड़े तथा पीछे से ये प्लॉट नैरो होते हैं। ऐसे प्लॉट में जान माल का खतरा बना रहता है। ऐसे प्लॉट्स के अंदर भूकंप या तूफानों को बर्दाश्त करने की क्षमता भी बाकियों के मुकाबले थोड़ी कम होती है। ऐसे मकान में रहने वाले लोग कर्जे में डूब सकते हैं और व्यक्तियों को दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन आदि हमेशा बने रहते हैं। इसलिए ये प्लॉट अच्छे नहीं माने जाते, हमें इन प्लॉट से बचना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ प्लॉट्स के बारे में बात करी और हमने आपको उनके बारे में जानकारी दी। हम ऐसी आशा करते हैं कि इन जानकारियों का आप फ़ायदा उठाएंगे और जब भी आप अपने लिए कोई प्लॉट लेंगे या उसका चयन करेंगे या किसी ऐसे मकान का चयन करेंगे जो इस तरह के प्लॉट से बना हो, तो इन जानकारियों को दिमाग में रखते हुए उसका चयन करेंगे, जिससे आपको व आपके परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी, एक सुख समृद्धि, शांति व धन से परिपूर्ण ज़िंदगी मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी प्रकार की और बेहतर जानकारियां आपको दे सकें। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।